एक ऐसे जैसे कि बिग बॉस जो है सीजन इस बार का वो ऑलमोस्ट बहुत ठंडा जा रहा है, ठीक है, सब जानते हैं इस बात को कि वो इतना ठंडा हो चुका है. लोग अभी भी देयर पीपल आर क्रेविंग कि लास्ट सीजन वाला जो था वैसा कुछ. आई थिंक एज यू सेड कि बेंचमार्क एक क्रिएट किया है आप लोगों ने, वो बेंचमार्क दोबारा नहीं आ सकता. तो लेकिन कहीं ना कहीं जो है सलमान खान की अगर मैं बात करूँ तो उनका लेवल ऑफ पैशन जो है शो के लिए वो अभी तक वैसा ही है. तो सलमान के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप एज अ होस्ट, हाउ ही इज एंड यू नो हाउ मच यू आर इन कॉन्टैक्ट विद हिम, सलमान के बारे में क्या कहेंगे? देखो सलमान भाई है राइट, ही लव्स द शो, आई लव सलमान भाई, पर सलमान भाई ये फुल शो को नहीं बना सकते. देखो हम सब सलमान को प्यार करते हैं सलमान भाई से, बट सलमान भाई कैन ओनली कॉन्ट्रीब्यूट इतना ही जितना वो होस्ट तक कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. सलमान भाई घर के अंदर तो नहीं आ सकते और रह सकते, तो आधा शो ये बेस्ड है कंटेस्टेंट्स के ऊपर. आपके क्वेश्चन से मैं ठंडा पड़ गया, क्योंकि ये पूरा शो ही इतना बोरिंग जा रहा है. सलमान भाई अपने हद तक इतना जितना कर सकते उतना ही करेंगे, उसके आगे वो कुछ नहीं कर सकते. और इंडिया सपोर्ट करेगी सलमान भाई तक ही, जब तक तो शो की बात आ जाएगी तो शो में कुछ भी नहीं हो सकता. हाँ अगर मेरे शूट के बाद, मेरे गाने के बाद मुझे वापस बुलाया कुछ करना चाहे, पर वो बहुत टूवर्ड्स ही बहुत एंड हो जाएगा. हाँ और अभी आपने सुना लास्ट वीक सलमान भाई ने वीकेंड के वार में क्या बोला कि जो हमने वाइल्ड कार्ड बुलाए है ये लोग तो ठंडे पड़ गए, इससे अच्छा मुझे भी बुला देते पर हमारा कुछ मैच नहीं हुआ, नहीं तो मैं कर लेता, मैं तो बहुत पागलपंती कर लेता. आई टेल यू ट्रूथ.